ट्यूनिंग होती है ऑब्वियसली, आप जब ऊंच बड़ी क्रिकेट में आते हैं तो लोग आपको एनालाइज कर रहे होते हैं, दूसरी टीम में आपको देख रही होती है, वो आपके कंफर्ट जोन पे आपको नहीं कराएंगे बॉलिंग, वो आपको ऐसी जगह ढूंढेंगे जहां आप डिसकंफर्ट हों। तो उसकी चीज़ों को भी हम सारी चीज़ें सही करने के लिए ट्यूनिंग है। जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी का इंजन ख़राब हो तो फिर और बात होती है, लेकिन ट्यूनिंग होती रहे तो गाड़ी ठीक होती रहती है। तो हमारे प्लेयर्स में स्किल हैं, इनकी छोटी मोटी ट्यूनिंग है, वो हम कोशिश कर रहे हैं बेसिक्स जो है ना उसको ठीक कर लें, हमारी अलाइनमेंट सही हो, फिर हमारा जो बॉल डिलीवरी तक ना हम उसको वॉच करें, जैसे वो है ना कि वॉच अर्ली प्ले लेट, वो वाला सिस्टम लाना चाह रहे हैं ताकि एक जगह पे हमारा जो बॉडी है ना वो एक सिस्टम में आए, फिर उसके बाद हम अपना वेट ट्रांसफ़र करें, जिधर भी बॉल है हम वहाँ चले जाएँ। इससे क्या होगा कि हम बॉलर्स के साथ खेलेंगे, बॉलर हमारे साथ नहीं खेलते, हम फिर अपनी मर्ज़ी से खेलेंगे। वो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे प्लेयर आते हैं, जैसे अंडर 19 के आए हैं या जो भी आता है, उसके साथ मेरी कोशिश ये होती है कि हम अपनी अलाइनमेंट सही करें, फिर वेट ट्रांसफ़र सही करें और आखिर तक बॉल को देखें जब तक कि बॉल डिलीवर ना हो। तो वही कोशिश इधर भी कर रहे हैं हम लोग बच्चों की। अच्छी चीज़ हुई जो मेरा ख्याल है कि जब से हम लोग आए हुए थे, मैं था, सकलैन भाई थे, या जितनी भी NHPC की टीम थी हमारी, इतनी ज़्यादा वो कम्युनिकेशन नहीं हुई थी, लेकिन ये क्रिकेट बोर्ड ने, NHPC ने, नदीम भाई ने और सकलैन का, स्पेशली सकलैन ने ये जो प्लान था फ्लॉट किया कि इस तरह हम लोग जाते हैं साथ और जाके करना कुछ नहीं, हम साथ रहेंगे, कम्युनिकेशन हो। उस जो एक टेस्ट मैच के लिए हम लोग गए थे 4 दिन और मैच से एक दिन पहले हम लोग वापस आए, वो 4 दिन से ये हो गया हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया। उससे ये जो आप बात कर रहे हैं कि वो गैप होगा, वो काफ़ी, जिसको कहते हैं ना, वो इतनी चीज़ें नहीं रही हैं, मिलजुल के जो बात, अभी यूनस आया भी था इधर T20s के बाद, हम बैठे हैं इधर 2-3 दिन, उसमें हमने आपस में बैठ के एक जगह पे आए कि क्या क्या काम होने वाला है और कैसे करना है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं जो टेस्ट मैच में हम लोग गए थे, NHPC और क्रिकेट बोर्ड ने मिल के जो वहाँ हमें भेजा था, वो एक बड़ी अच्छी चीज़ थी जिससे फ़ायदा भी हुआ। हमारी तो ख्वाहिश है कि हम लोग तो पूरा साल ही आएँ, क्रिकेट बोर्ड, NHPC, जो भी हमें लड़के देंगे हम उन पर पूरी मेहनत करेंगे, लेकिन ऑलरेडी मेरा ख्याल प्लान बन रहा है कि कुछ लड़कों को यहाँ बुलाएंगे जो कि हमारे बेंच स्ट्रेंथ के तौर पर हैं, उन पर हम काम करें, चाहे बॉलर हैं, बैट्समैन हैं, विकेट कीपर हैं, जितने भी लोग हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है वो लोग यहाँ आएंगे इंशाल्लाह, मुझे लग रहा है, प्लान बन रहा है। तो आप देखेंगे कि फ्यूचर में ये चीज़ें होंगी। ठीक है, यूसुफ यहाँ खड़ा होना ना, हाँ खिंचिया बॉल तो ऐ ही हो सकता है।